नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईबीएन 7 में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और अब वक्त है सारा देश 100 खबरों का। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का आज रियो में आगाज हो गया। 21 अगस्त तक चलने वाले ओलंपिक में 28 खेलों में 306 मेडल दांव पर होंगे। सुबह तकरीबन 4:30 बजे रियो के मरकाना स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम में ओलंपिक की शुरुआत हुई और दुनिया के 206 देशों के एथलीट्स ने 75,000 दर्शकों के सामने परेड की। इसके अलावा एक शरणार्थी टीम भी ओलंपिक में 28 खेलों में अपना दमखम दिखाने के लिए ब्राजील में है। ये पहली बार है जब किसी दक्षिण अमेरिकी देश में ओलंपिक हो रहा है। भारतीय दल की अगुवाई निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने की। भारत आज शाम 5 बजे शूटिंग से रियो में आगाज करेगा, जहां 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला और आयोनिका पॉल हिस्सा लेंगी। शाम 7 बजे इस इवेंट का फाइनल होगा। इसके अलावा नौकायान, मेंस हॉकी, टेनिस के मेंस डबल्स, वुमेन टेनिस डबल्स, टेबल टेनिस और मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में भी आज भारतीय खिलाड़ी जौहर दिखाते नजर आएंगे। रियो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए देश में हवन पूजन का दौर भी शुरू हो गया। कानपुर में लोगों ने मंदिर में हवन कर खिलाड़ियों की सफलता की कामना की। रेसलर नरसिंह यादव रियो ओलंपिक में भारत की ओर से 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कुश्ती के दांव आजमा पाएंगे। नरसिंह के रियो ओलंपिक में खेलने की आधिकारिक रूप से पुष्टि हो गई है। लगातार हो रही बारिश से मुंबई बेहाल है। बारिश की वजह से मुंबई के हिंदमाता सायन, एल्फिंस्टन रोड, किंग सर्कल, कुर्ला, खार रोड में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। मुंबई में शुक्रवार को जलभराव की वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे सहित कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहा। साथ ही रेल यातायात पर भी खासा असर देखने को मिला। वहीं रनवे पर पानी भर जाने से उड़ानों पर असर पड़ा। रायगढ़ के सावित्री नदी पर बने पुल के टूटने के बाद हुए हादसे में अब तक 20 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 31 लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की खोज में अभियान जारी है। इसी बीच बचाव दल को नदी के किनारे मगरमच्छ भी दिखाई पड़े, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने आम लोगों को राहत बचाव में हिस्सा लेने से रोक दिया। नदी में पानी का बहाव तेज होने के चलते बचाव दल को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मराठवाड़ा के सबसे बड़े बांध नाथ सागर डैम पर खतरा मंडराने लगा। डैम में पानी का स्तर उसकी क्षमता से करीब 52% ज्यादा हो गया है। मध्य प्रदेश को नागपुर से जोड़ने वाली कान्हा नदी पर बना पुल भी जर्जर हो चुका है। इस पुल को बने 140 साल हो गए हैं। इसके बाद भी इस पुल में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। हालांकि सावित्री नदी पर पुल हादसे के बाद सबक लेते हुए 150 साल पहले बने ठाणे कलवा पुल को प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि एक एजेंसी ने 17-18 पहले ही ऐसे 3 पुलों को खतरनाक बताया था। गुजरात में भी बारिश ने बेहाल कर रखा है। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। खासकर पूर्वी इलाकों के हालत बुरे हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। अहमदाबाद ही नहीं, जामनगर में भी शुक्रवार को भारी बारिश हुई। 5 घंटे में जामनगर में 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं एक गांव में खेत में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर के अर्धकुंवारी मार्ग पर भारी भूस्खलन होने से हादसा हो गया। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हैं। घायलों को कटरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश की वजह से फूलों की घाटी में चट्टान टूट गई। चट्टान टूटने से वहां 86 पर्यटक फंस गए। बाद में एसडीआरएफ की टीम ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। नैनीताल में एक गाड़ी खाई में गिरने से हादसा हो गया। गनीमत रही कि कार पेड़ पर अटक गई और गाड़ी में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हादसे में 2 लोगों को चोट आई है। हिमाचल प्रदेश का शिमला में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटों में और भी ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपाणी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे से खाली हुई कुर्सी पर बीजेपी ने विजय रूपाणी की ताजपोशी का फैसला किया है। रूपाणी को चुने जाने से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि नितिन पटेल को सीएम पद मिल सकता है, लेकिन विधायक दल की बैठक में पटेल के नाम पर आम सहमति नहीं बन सकी और विजय रूपाणी को सीएम चुन लिया गया। माना जा रहा है कि विजय रूपाणी को अमित शाह के विश्वस्त होने का फायदा मिला है। नितिन पटेल आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। हालांकि नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया। सीएम पद के लिए चुने गए विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके साथ रविवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजय रूपाणी को गुजरात के सीएम पद के लिए चुने जाने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विजय रूपाणी की पत्नी ने भी खुशी जताई। विजय रूपाणी ने एक छात्र नेता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1971 में जनसंघ में वो शामिल हुए। सौराष्ट्र में आने वाले राजकोट से वो विधायक हैं और बीजेपी महासचिव और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद नितिन पटेल सवालों से बचते दिखे। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले को वो स्वीकार करते हैं।
रूपाणी की ताजपोशी पर पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा है कि चाहे नितिन पटेल हो या फिर रूपाणी, दोनों ही मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें मंजूर नहीं है। हार्दिक ने कहा कि इनके खिलाफ गुजरात में आंदोलन शुरू होगा। पीएम मोदी आज माई जीओवी ऐप के 2 साल पूरे होने पर इस मौके पर टाउन हॉल के जरिए लोगों से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टाउन हॉल के दौरान मोदी पीएमओ ऐप भी लॉन्च करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार समस्याओं और सरकारी नीतियों पर सीधे लोगों से संवाद करेगी। टाउन हॉल में अलग अलग क्षेत्रों से 2000 लोग हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों को निर्देश दिया है कि जीएसटी को राज्य विधानसभाओं से जल्द से जल्द मंजूरी दिलाई जाए। इसे लेकर वेंकैया नायडू ने बीजेपी और सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। राज्यसभा से पास होने के बाद सोमवार को जीएसटी बिल पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी लोकसभा में बिल पर बोल सकते हैं। जीएसटी बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अरुण जेटली ने पहली बार हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी आवाज से बात की। जेटली ने कहा कि जीएसटी को जल्द लागू करने की कोशिशें की जा रही है, हालांकि इसकी प्रक्रिया लंबी है। वित्त मंत्री जेटली ने यह भी कहा कि देश में टैक्स सुधार की प्रक्रिया चल रही है। उनके अनुसार कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स को भी आसान बनाया जाएगा। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इस दौरान मौद्रिक नीति पर चर्चा के अलावा अर्थव्यवस्था सुधार के कदमों पर भी बात हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान दौरे पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सब किया, लेकिन पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधा। उनके अनुसार हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क को पैरों पर खड़ा होने में मदद करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि भारत मदद के लायक ना रहे। विपक्ष ने भी पाकिस्तान में राजनाथ सिंह के रुख की एक सुर में प्रशंसा की। कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने साफ कहा कि जिस तरह राजनाथ सिंह ने बात की पाकिस्तान से उसे उसी अंदाज में बात करनी चाहिए। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे और वहां फंसे भारतीयों से मुलाकात की। वीके सिंह ने सभी को आश्वासन दिया सऊदी अरब सरकार समस्या को खत्म करने के लिए तैयार हो गई है। वीके सिंह ने वहां फंसे भारतीयों के कैंप में जाकर सभी से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही वो भारत वापस लौट सकेंगे। इस दौरान वहां पीएम मोदी, सुषमा स्वराज जिंदाबाद के नारे भी लगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने सऊदी अरब की सरकार को उन मजदूरों की लिस्ट सौंप दी है जो भारत लौटना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार मजदूरों की वापसी के लिए सऊदी अरब सरकार तैयार हो गई है। आज से झांसी में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक होनी है और इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह और ओम माथुर भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में बीजेपी बुलंदशहर गैंगरेप और कैराना में कथित पलायन के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में घट रही अपराध की घटनाओं पर दुख जताया। उन्होंने इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में पहुंचे लोगों ने कोई काम नहीं किया। बुलंदशहर गैंगरेप को लेकर निर्भया की मां ने एक एनजीओ के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव के आवास पर प्रदर्शन किया। आशा देवी ने अखिलेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। मायावती को अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिंह की जमानत याचिका पर आज मुख्य अदालत में सुनवाई होगी। बीजेपी ने निष्कासित दयाशंकर अभी जेल में बंद हैं। दयाशंकर के मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर सड़क से संसद तक काफी बवाल मचा था और कई दिन गिरफ्तारी से बचने के बाद लखनऊ पुलिस ने उन्हें बक्सर से पकड़ा था। मलेरकोटला में धर्मग्रंथ से बेअदबी के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव पर पंजाब के मलेरकोटला में धर्मग्रंथ की बेअदबी का आरोप है। नरेश यादव को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, फिलहाल वो जमानत पर है। आपके 18 विधायकों ने स्पीकर को चिट्ठी लेकर सुरक्षा की मांग की है। विधायकों ने अपने दफ्तरों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ ही सिविल डिफेंस के 2 वॉलंटियर्स भी तैनात करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के विधायक की सुरक्षा की मांग पर विपक्ष हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली को सुरक्षित करने के वादे को आम आदमी पार्टी की सरकार भूल चुकी है। महाराष्ट्र में मंत्री और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के विधेयक को विधानसभा में 1 मत से मंजूर किया गया। इसके बबाद सीएम का वेतन 1.5 लाख और विधायकों का वेतन 1 लाख तक हो सकता है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू आज 500 शहरों का स्वच्छ सर्वेक्षण पेश करेंगे और इस दौरान वेंकैया हेल्पलाइन स्वच्छ ऐप टूल किट भी लॉन्च की जाएगी। सर्वेक्षण का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। भारत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से 13 अगस्त को मुलाकात करेंगे। असम के कोकराझार में आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि 5 से 7 आतंकी ऑटो रिक्शे से बाजार पहुंचे और खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आतंकियों ने ग्रेनेड से भी हमला किया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को घटना की पूरी जानकारी दी। साथ ही हमले में मरने वालों के परिवार को 5 लाख और घायलों को
1,00,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में अभी भी बवाल थमा नहीं है। राजौरी में उपद्रवियों ने दुकानों पर पथराव किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ड्रेस कोड लागू किए जाने पर गुस्साई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने कॉलेज के इस फरमान को तुगलक की बताया। छात्राओं के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल में 9:30 बजे के बाद एंट्री बैन कर दी है, साथ ही हॉस्टल में स्कर्ट पर भी पाबंदी लगा दी है। दलितों में बढ़ते अत्याचार को लेकर गुजरात में दलित समिति ने पदयात्रा शुरू की। 10 दिन तक चलने वाले इस मार्च ये ऊना तक जाएगा और दलितों को मरे हुए जानवरों को नहीं उठाने के लिए जागरूक करेंगे। मथुरा में हाथरस में वृंदावन दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। मथुरा में अदालत परिसर में एक महिला ने अपने पति की चप्पलों से जमकर पिटाई की। दोनों के बीच में दहेज को लेकर विवाद चल रहा है। जयपुर के हिंगोनिया में गौशाला में बारिश के बाद हुई कीचड़ से करीब 10 गायों की मौत हो गई। इसके बाद से गौशाला प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसीबी की टीम ने गायों की मौत की जांच के बाद पाया कि इस दुर्दशा और मौत की सबसे बड़ी वजह है गौशाला का कुप्रबंधन, जिसकी वजह से हर साल गायों की मौत हो रही है। गौशाला में कीचड़ की वजह से गायों के बाद राजनीति अब तेज हो गई है और विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे वसुंधरा सरकार की बड़ी लापरवाही बताया। महाराष्ट्र में सरकार ने नो हेलमेट नो पेट्रोल का फैसला ले लिया है और वापस ले लिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पेट्रोल पंप मालिकों ने आपत्ति जताई थी। अब बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पेट्रोल देने के बाद उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया जाएगा। इसके बाद पेट्रोल पंप कर्मी आरटीओ कार्यालय को नंबर भेजेंगे। दूध में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं। मिलावटखोरों को उम्र कैद तक का कठोर कानून बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। नोएडा में एक मारुति वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कार में सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोग वक्त रहते बाहर निकल गए। अलीगढ़ में सड़क हादसे के बाद पुल से नीचे गिरने पर घोड़े की मौत हो गई और इस घोड़ा गाड़ी को तेज रफ्तार सफारी कार ने टक्कर मारी, जिसमें घोड़ा पुल से नीचे लटक गया था। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर बाइक सवार अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। दुकान में मौजूद संतोष कुमार नाम के शख्स और एक कर्मचारी ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। सरेआम फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर भी बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के विवेक विहार में एक सरकारी स्कूल में एक टीचर पर छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है। बच्चे को मीनिंग याद नहीं करने पर उसकी डंडों से पिटाई की गई। बच्चे का आरोप है कि टीचर ने क्लास में खड़ा कर दूसरे बच्चों से हाथ पकड़वाए और पीछे से डंडे से मारा। तबीयत खराब होने के बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे के परिजनों ने पुलिस में टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला बढ़ने के बाद आरोपी टीचर स्कूल ही नहीं आए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में सरेआम एक प्रॉपर्टी डीलर और उसकी महिला स्टाफ के साथ पिटाई का मामला सामने आया। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करने का आरोप हिमांशु नाम के शख्स पर है, जो कि लक्ष्मीनगर में पटरी लगाता है और उसने ही अपने 5 साथियों के साथ अवधेश गुप्ता के दफ्तर पर हमला किया। बताया जा रहा है कि हिमांशु फुटपाथ पर फेहरी लगाता है, जिसे एमएसडी ने उसे हटा दिया था और उसे शक था कि प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में काम करने वाले सौरभ ने ही एमएसडी वालों को बुलाया था। दिल्ली में प्रेमिका की हत्या कर भाग रहे प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने खून से लथपथ देखा और पूछताछ की तो उसने पूरा सच उकल दिया। आरोपी अजय और मृतका अपने दोनों एक ही एक्सपर्ट कंपनी में काम करते हैं। अजय ने सपना की उस वक्त हत्या की जब वो घर पर अकेली थी। पुलिस के अनुसार अजय सपना से शादी करना चाहता था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से सपना ने इनकार कर दिया और इसी बात से गुस्साए अजय ने उसकी हत्या कर दी। गाजियाबाद के मुरादनगर में 30 जुलाई को हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग को पकड़ा है। मृतक के मोबाइल के आधार पर इन दोनों को दबोचा गया। दोनों नाबालिग आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रामकिशोर तंत्र मंत्र करता था और उनसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इसे परेशान होकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेंद्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। शैलेंद्र की हत्या लूट के विरोध करने पर बदमाशों की गई थी और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। गिरफ्तार 5 आरोपी गाजियाबाद के डासना क्षेत्र के हैं और लूट और हत्या के मामले में पहले भी वो जेल जा चुके हैं। यूपी के जौनपुर में पशु तस्करों ने एक दरोगा को गाड़ी से रौंद कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना उस वक्त हुई जब रात को दरोगा ने बदलापुर से आ रही पिकअप वैन को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन टक्कर मारकर वो भाग खड़े हुए। नागपुर में एक निजी अस्पताल में काम करने वाली 2 लड़कियों ने खुदकुशी वो करने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों समलैंगिक रिश्ते में थीं, लेकिन परिवार
को इस पर एतराज था। कानपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत के से बवाल मच गया। गुस्सा लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया और पथराव कर दिया। पुलिस पर आरोप है कि कमल की चौकी लाया गया था, बाद में उसका शव चौकी में। विवाद बढ़ने के बाद में दो दरोगा समेत 12 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। यूपी के मैनपुरी में पुलिस की अवैध वसूली से परेशान युवकों की मौत के बाद गुस्सा लोगों ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और जमकर मारपीट की। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के अमेरिका ने हमले तेज कर दिए हैं। राष्ट्रपति ओबामा के अनुसार अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर अब तक 14,000 से ज्यादा बार हवाई हमले किए हैं। ईरान ने सुरक्षा की वजह से मोबाइल गेम पोकेमॉन गो पर पाबंदी लगा दी है और इस वर्चुअल रियलिटी गेम को लेकर पहले भी कई देश सुरक्षा चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। इटली सरकार फूड बैंक खोलने जा रही है और इसके लिए बैंक के बाहर बचे हुए खाने के लिए बॉक्स लगाए जाएंगे, जिसमें आम लोगों के साथ होटलों की भी भागीदारी रहेगी। अमेरिका के शिकागो में एक पुलिसकर्मी का कार सवार पर फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। लड़के की मौत के बाद अब परिवार वालों ने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रणवीर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर करिश्मा कपूर के साथ पाउट सेल्फी पोस्ट की है। करण जौहर ने चैलेंज किया कि वो रणवीर से बेहतर पाउट बना सकते हैं। रुस्तम को ट्विटर पर प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार ने सलमान खान का शुक्रिया अदा किया। अक्षय के मुताबिक ये साबित करता है कि पूरा बॉलीवुड एकजुट है। सोनम कपूर को रियो मामी फेस्टिवल 2016 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। मियामी फेस्टिवल 20 से 27 अक्टूबर को होना है। श्रद्धा कपूर रॉक ऑन 2 के लिए तीसरा गाना गाने वाली है। फरहान अख्तर की इस फिल्म में श्रद्धा म्यूजिक बैंड का हिस्सा होगी। फिल्म 11 नवंबर को रिलीज होगी।